भारत में एक शब्द है चमार। ये एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर तमाम किस्से कहानियां फैली हुई हैं। कोई कहता है चमार पुरातन काल से ही दलित हैं, जिन्हें हमेशा शूद्र समझा गया। लेकिन जो असली इतिहास चमारों का सामने आता है वो अच्छे अच्छे इतिहासकारों के भी होश उड़ा कर रखते। आज के समय में हमको देखने को मिलता है कि चमार जाति का यूज कुछ लोग जाति सूचक गाली के रूप में भी करते हैं। इसके लिए कानून में अपना एक अलग प्रावधान भी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज चमार समाज हिंदू धर्म के एक पिलर के रूप में खड़ा हुआ है। कई लोग चमार जाति के लोगों को दामपंथी विचारधारा से प्रभावित करके उन्हें हिंदू धर्म से दूर करना चाहते हैं, और कुछ लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। लेकिन आज भी अधिकांश चमार जाति के लोग गर्व से हिंदू जाति के रीति रिवाजों का पालन करते आए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं चमार जाति की बात क्यों कर रहा हूं? जरा सोचिए, जिस शब्द को जाति सूचक शब्द समझा जाता हो, जिस शब्द का प्रयोग चिढ़ाने के लिए या गाली के तौर पर किया जाता हो, अगर वही शब्द पूरी दुनिया में एक ब्रांड बन के चमक जाए तो क्या होगा? सोचिए जरा, उन लोगों पर क्या गुजरेगी जो चमार जाति का अपमान करते हैं? आखिर कौन सा है वो चमार ब्रांड जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा कर रख दी? आखिर कैसे चमार ब्रांड ने अमेरिका, जर्मनी और जापान तक को हिला कर रख दिया? ये वीडियो ऐसा है कि जिसको देखने के बाद आपको भी अपने इतिहास में गर्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है सुधीर राजभर, और आज ये 36 साल के हैं। सुधीर मुंबई में ही पले बड़े हुए हैं और वहीं से इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में बैचलर की पढ़ाई की। यूं तो सुधीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हैं, हालांकि वो यहाँ ज्यादा रहे नहीं हैं, मगर जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि चमार जाति के नाम से उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं। उन्होंने देखा कि लोग उनको उनके सरनेम में से भर और चमार शब्द का प्रयोग करके चिढ़ाते हैं, और ये सब अपमान के तौर पर किया जाता है, खासकर किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए। यहीं से सुधीर के मन में आया, जिस शब्द को बार बार चिढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, क्यों ना इस नाम का एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जो पूरी दुनिया में छा जाए और सबकी बोलती बंद कर दे। और ये सपना आज सच हो गया। सुधीर राजभर ने चमार नाम से एक पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया, और इस ब्रांड ने एक अपना इतिहास रचा है। दोस्तों, ये बस एक जाति नहीं है बल्कि एक ब्रांड भी है, और इसमें बनाए गए प्रोडक्ट्स पूरी तरह से इको फ्रेंडली और हैंडमेड हैं। भारत में कई शहरों में ये बिक भी रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में चमार ब्रांड के जलवे हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब पूरे देश में चमड़े का काम बैन कर दिया गया था, जिसके बाद सुधीर ने कई मटेरियल में रिसर्च किया जिससे बैग बनाया जा सके। फिर उन्होंने एक मटेरियल खोजा जो जानवरों की खाल से ना बनकर रिसाइकल रबर से बनता है। सुधीर बताते हैं कि उनके सभी प्रोडक्ट्स हैंडमेड हैं। इसकी बुनाई, कटाई, सिलाई सब कुछ कारीगर खुद अपने हाथों से करते हैं, जिसकी वजह से ये दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं। ये बैग ऐसे हैं जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों तक है। हालांकि इनको बनाने में समय जरूर लगता है, मगर खास बात ये है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले सभी चमार समुदाय के लोग हैं। इस ब्रांड से कंपनी रजिस्टर भी की गई है, जिसका नाम है चमार प्राइवेट लिमिटेड। और आपको इसकी एक खास बात बताते हैं कि आपको इसके कहीं भी स्टोर देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इनके सभी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन वेबसाइट से सेल किए जाते हैं। लेकिन सुधीर आज भी बताते हैं कि जब वो अपने ब्रांड के बारे में गांव वालों को बताते हैं तो लोग जोर जोर से हंसते हैं। और आज यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने लोगों के काम की सराहना के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं, और ये उन्होंने पूरा का पूरा एम्प्लॉयर अपने दम पर खड़ा किया है, जिसकी वैल्यूएशन आज करोड़ों में है। बड़े ही गर्व के साथ ये युवा पूरी दुनिया में चमार जाति का नाम गर्व से ऊंचा कर रहा है। न सिर्फ चमार जाति बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम और भारत की संस्कृति को फैला रहा है, और इस सफलता की कहानी उन लोगों के मुंह में करारा तमाचा है जो किसी भी जाति को नीचा दिखाने का काम करते हैं। चमार ब्रांड आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है, और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आने वाला टाइम चमार ब्रांड के लिए स्वर्णिम काल होने वाला है। वैसे आपका क्या सोचना है इस मोटिवेशन स्टोरी के बारे में? हमें अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही कई और कहानियां आपके सामने लेकर के आएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ,
तब तक के लिए धन्यवाद।